दोस्तों एमसीयू में अभी गैलेक्टस भाई की एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंट्री मारते हुए गैलेक्टस भाई ने मुझसे पूछा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में स्पाइडरमैन न्यू सूट क्यों बनाता है, जबकि उसके पास तो टोनी स्टार्क के इतने हाईटेक सूट्स थे। चलिए इससे पहले कि गैलेक्टस भाई प्लैनेट्स के साथ साथ मेरे चैनल को भी निकल जाए, मैं उनके इस सवाल का जवाब दे देता हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई लोग, आप लोगों को आयरन मैन 2 का ये डोनट शॉप वाला सीन तो जरूर याद होगा, जहां ब्लैक विडो निक फ्यूरी से आती है कि मिस्टर स्टार्क के डेटाबेस सिक्योरिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका सूट उनकी मर्जी के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता है। You don't know better. I didn't give it to him. He took it. Whoa, whoa, whoa. What? No, he took it? You're Iron Man and he just took it? The little brother walked in there, kicked your ass and took your suit. Is that possible? Well, according to Mr. Stark's database security guidelines, there are redundancies to prevent unauthorized usage. यानी कि टोनी जिसकी आइडेंटिटी को अपने सूट या एआई डेटाबेस में फीड करता है, केवल वही शख्स उसकी चीजों को यूज कर सकता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग टोनी ने जितने भी स्पाइडरमैन के लिए सूट बनाए होंगे या फिर स्पाइडरमैन के लिए जो एडिट बनाया था, उन सबके एआई डेटाबेस में टोनी ने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को फीड किया था, ताकि कोई और उसे उसकी मर्जी के बिना यूज ना कर पाए। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल से पीटर पार्कर की सारी दुनिया तबाह कर दी, यानी कि पीटर पार्कर की सारी यादों को पूरी दुनिया के लोगों और डेटाबेस से गायब कर दिया, तो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को उसके दोस्तों के साथ साथ उसकी एआई भी भूल जाती है, और इसलिए पीटर पार्कर उस सूट को यूज नहीं कर पाता है और अपने लिए न्यू क्लासिक स्पाइडरमैन का सूट बनाता है। आई होप कि गैलेक्टस भाई को अब ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल पढ़ा था उसका इफेक्ट गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स और थॉर के ऊपर हुआ होगा? आप अपने सजेशंस और अपनी थ्योरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।